नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी लोग पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्सेस। फोर्सेस में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग दो तरह की आप लोगों ने पढ़ी। कल तक आप लोगों ने पढ़ी थी कोवलेंट बॉन्डिंग, इसी तरह से आपने पढ़ी थी आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग के बाद आपने पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। इन तीन बॉन्डिंग के साथ साथ हम लोग आज आपको पढ़ाएंगे वीक फोर्सेस, और वीक फोर्सेस में आप लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? ये है हमारा टाइटल, जिसका परिचय मैंने आप लोगों को कल जो दिया था वो था स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा था कि आयंस के बीच में बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल कंट्रीब्यूशन से जो बॉन्ड बनते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो वो डबल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो वो ट्रिपल बॉन्ड या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। मैंने कल आपको बताया था अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स के बीच में केवल एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर दो बॉन्ड प्रेजेंट हैं तो उसमें से एक सिग्मा एक पाई होगा, अगर तीन बॉन्ड हैं तो उसमें से एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड उपस्थित होंगे। ये कल हम बात कर चुके हैं। इसी क्रम में मैंने आपको जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में बताया था तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में भी जान लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में सबसे खास बात यही है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में किसी के पास जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जिसे हम लुईस एसिड कहते हैं, ये किसी इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला जो मॉलिक्यूल है ये किसी कंप्लीट ऑक्टेट और लॉन पेयर कंटेनिंग ग्रुप के साथ जुड़ करके बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के आते हैं। चलिए साथियों, स्वागत है सभी का। इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं नितेश, धीरज, सुनील, केलव, केवल, अंकित, नीलेश, नितेश, राजवीर, सभी साथियों का स्वागत। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आप सभी की रेगुलर करंट अफेयर की क्लासेस वाईफाई स्टडी 2.0 पर रोजाना सुबह 6 से 7 हो रही है। जिन भी विद्यार्थियों को रेलवे के एग्जाम की तैयारी करनी है वो करंट अफेयर के साथ अगर स्टैटिक जीके भी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा सुबह शो 2.0 पर आता है, उसे देखना ना भूलें। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आप लोगों के लिए आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वीक फोर्सेज, यानी कि दुर्बल बंध। वीक फोर्सेज क्या होते हैं? वीक फोर्सेस अर्थात दुर्बल बंध। दुर्बल बंध, अब दुर्बल बंध समझने के लिए आपको समझना होगा कि दुर्बल बंध का कंसेप्ट क्या है, किस तरह से दुर्बल होते हैं बंध। तो इसके अंदर आपको दो प्रकार के बंध साथियों पढ़ने होते हैं। एक का नाम पढ़ना होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड का नाम होता है साथियों वांडरवाल बॉन्ड। दो बॉन्ड पढ़ने होते हैं आप लोगों को, एक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे का नाम है साथियों वांडरवाल बॉन्ड। साथियों हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है? जैसे देखिए, कल मैंने आप लोगों को जब बॉन्डिंग पढ़ाई थी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग पढ़ाई थी, प्रबल बंध जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे, एक बार के लिए मैं वापस उनको लिखूं तो एक कॉमन चीज आप लोगों ने देखी थी। क्या देखा था? कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बना था, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन और फ्लोरीन के बॉन्ड में बीच में बॉन्ड बना था, तो इनके बीच का जो बॉन्ड था ना, ये साथियों इलेक्ट्रॉन्स का रिप्रेजेंटेशन था। बेसिकली ये क्या था? साझेदारी थी, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स थे जिनमें से एक एक फ्लोरीन का था, एक दूसरे फ्लोरीन का था, यानी इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप थी बेसिकली ये। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई? तो इक्वल शेयरिंग ऑफ फ्लोरीन था जिसकी वजह, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था जिसकी वजह से ये बॉन्ड बना था। इतनी बात आप सबको समझ में आ जानी चाहिए। इसका मतलब क्या निकलता है मेरे प्यारे साथियों, कि जब इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हुई थी तब जाकर के क्या बना था आप लोगों का? कोवलेंट बॉन्ड बना था। जब इक्वल शेयरिंग थी तो कोवलेंट बॉन्ड बना था। तो अब मैं आपको यहां से आगे वाली बात समझा रहा हूं जिसको आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो क्या है, पॉइंट समझिएगा ध्यान से, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कोई भी शेयरिंग नहीं होती। यानी कि ये जो वीक बॉन्ड है ना साथियों, इनमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कई बार सवाल में इसको घुमा के पूछ लिया जाता है, आप इसको एकदम सही करके आइएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होती, अर्थात नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी नहीं होती। हाँ, एक और मैं बात बता दूं आप सभी साथियों को, आप सबके लिए मेरे द्वारा एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। अभी जो वुमन वर्ल्ड कप हुआ था उसके लिए मैंने 7-8 मिनट का एक वीडियो बनाया है, मैं कमेंट बॉक्स में उसको पिन करवा रहा हूं, एक बार उसको देख लेना। तो वुमन T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था
उससे करंट में क्या सवाल बन सकते हैं, एक 5-7 मिनट का एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लेना, कमेंट बॉक्स में पिन करवा रहा हूं, इसी चैनल पर है, सुबह 5:45 पर लाइव हुआ था वो, तो आप उसको एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उससे जुड़ी हुई जानकारियां आप लोगों को वहां पढ़ाई है। तो मेरे प्यारे साथियों, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर सवाल बनेगा, सर जब शेयरिंग नहीं है तो फिर कैसी बॉन्डिंग? भाई हमने तो अभी तक सीखा ही था, आपने जब आयनिक बॉन्ड बताया तो ये कहा एक इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कोवलेंट पढ़ाया तब आपने कहा था कि कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, कोऑर्डिनेशन पढ़ाया तो आपने कहा कि दो इलेक्ट्रॉन किसी के साथ आए, यहां पर सर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है क्या? बिल्कुल, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी बॉन्डिंग है। बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल वैसा ही आकर्षण बंध है, ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जिस प्रकार की फीलिंग हमें अपने सहपाठियों के साथ बैठ करके आती है। जैसे आप लोगों को आपके दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है, आप लोग रहते तो वहां पर भी बिना बॉन्डिंग के हैं, आप हाथ पकड़ के नहीं बैठते हैं, ग्रुप में जब बैठे होते हैं तो आप लोग अच्छे से ठहाके लगा रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो जो फीलिंग है ना आप लोगों के बीच में, कौन सी फीलिंग? कि आपको अकेले से ज्यादा समूह में रहना अच्छा लगता है। यानी इंसानों के बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि इंसान एकाकी जीवन नहीं जीना चाहता, वो सामूहिक जीवन जीना चाहता है, यानी कि वो ग्रुप में रहना चाहता है, यानी कि इंसान के लिए कहते हैं इंसान, यानी ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, यानी कि एक एनिमल है जो समाज के बीच में रहना चाहता है ना, यही लाइन हम सीखते हैं। मतलब हम जब वहां हैं तो किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा हुआ है कि हम ग्रुप में रहते हैं, या हमें बांध के रहना है कि हम चेन बना के बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, एक अकेले रहने के स्थान पर हम एक के साथ रहना पसंद करते हैं। और साथियों, ये जो ग्रुपिज्म है अल्टीमेटली ऐसी मॉलिक्यूल्स में भी देखने को मिलती है। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो अकेले रह सकते हैं वो अकेले के स्थान पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अकेले ना रह करके एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो अकेले ना रह करके एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, और वो इतना एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं कि उनकी अवस्था में परिवर्तन तक हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, वो एक दूसरे के साथ इतना अच्छे से रहना पसंद करते हैं कि उनके अंदर अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन फेज हो जाता है। कुछ याद करिए, चेंज इन फेज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, पदार्थ की प्रमुख रूप से 5 विशेषताएं, 5 फेजेस पढ़ी थी हमने मैटर की, जिसमें आपने पढ़ा था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था आपने पढ़ी थी प्लाज्मा। इन सब के अंदर मेजर डिफरेंस क्या था, इन सब के बीच था इंटर मॉलिक्यूलर डिफरेंसेस का, यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ दूरी बढ़ाते चले जाते हैं, और दूरी बढ़ाते चले जाते हैं इस आधार पर ये अवस्थाएं परिवर्तित होती चली जाती हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास रहना पसंद करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक सट के रहना चाहते हैं, और जब सट के रहना चाहते हैं तो जो दूर दूर रहने वाली बात थी वो नजदीक में कन्वर्ट हो गई, और इसकी वजह से क्या बन के आया, अवस्था परिवर्तन हुआ। कॉमन सेंस लगाइए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए साथियों, पदार्थ की 3 अवस्थाएं मैं लिख रहा हूं आपके सामने, एक है ठोस, एक है द्रव, एक है गैस। आप लोगों ने सीखा हुआ क्या है, ठोस के अंदर आप जानते हैं कि ठोस अवस्था के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है, यानी अंतराणविक जो दूरी है, यानी जिसे आप इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है वो यहां पर मिनिमम होती है। आप यही कहते आए हैं, यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा होती है और यहां पर सबसे ज्यादा होती है। इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है, इस अवस्था के अंदर होती है। अब मैंने आपसे क्या कहा साथियों, पदार्थों में इस प्रकार की अवस्था, इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है कि ये दूसरे एक दूसरे के साथ, कृष्णा पटेल लिख रहे हैं, सर जी हमारा कमेंट नहीं लेते, हमारा भी नाम नहीं लेते, कृपया करके हमारे एक बार नाम लीजिए, हम जौनपुर से हैं। कृष्णा पटेल, नाम लेंगे तो हम अपना रिदम भूल जाते हैं भाई, चिंता ना करें।
सर कोरोना वायरस का असर ऑनलाइन क्लास पर भी आ रहा है क्या? बिल्कुल साथियों, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैंने आपको बताया था 20,000 लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री में अनअकैडमी के द्वारा शो की जा रही हैं। टेक्निकल टीम, मेरी सुबह एक क्लास हुई है वर्ल्ड कप के ऊपर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किया है वर्ल्ड कप 2020 के ऊपर, उसे पिन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में ताकि बच्चे उसे देख पाएं। हाँ भाई, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बात बता रहा हूँ। ठोस, द्रव और गैस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब सोचिए। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया मित्रों H2O का, इसे समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया H2O का, मैंने अभी आपको कहानी क्या सुनाई थी, इंसानों की तरह है ये, मतलब अकेला रहना पसंद नहीं करता। अकेला रहना पसंद नहीं करता इसका मतलब क्या हुआ, H2O अपने ही तरह किसी और H2O के साथ रहना चाहता है। इसी प्रकार से H2O अपने ही तरह किसी अन्य H2O के साथ रहना चाहता है, यानी H2O जो है वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। और मजेदार बात साथियों, ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन साझा नहीं करते। ध्यान से देखिए मेरे मित्रों, H2O की संरचना को अगर मैं आपके सामने इस प्रकार से दिखाऊं, वाटर की जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, वी शेप की संरचना है, ठीक है। और दूसरा H2O मान लीजिए मैंने आपके सामने ऐसे दिखा दिया, तीसरा H2O मान लीजिए मैंने आपके सामने ऐसे दिखा दिया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप उसको समझने का प्रयास करें कि यहां पर साथियों जो मैंने आपके सामने H2O दिखाया, इस H2O के अंदर ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हाइड्रोजन साथियों बॉन्ड तो ऑक्सीजन से बना के रखा हुआ है लेकिन अट्रैक्शन किसी और के साथ है। कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, ध्यान से समझिए मैंने क्या कहा आपसे, कहीं पर निगाहें यानी कि बॉन्डिंग तो किसी और के साथ है, समझ गए आप सभी लोग। बाकी अपने हिसाब से जो शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें जोड़ लीजिएगा, मैं थोड़ा सभ्यता का ख्याल रख रहा हूं, इतना ही समझिएगा, बाकी समझदार हैं आप लोग। तो यहां पर हो क्या रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो किससे बना रहा है, ऑक्सीजन से, लेकिन अट्रैक्शन किसकी तरफ हो रहा है, दूसरे ऑक्सीजन की तरफ, समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन जो है ये किसी और ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसी प्रकार से साथी। और साहब बड़ी बात ये है कि इनका जो मौका चले तो किसी और के साथ भी अट्रैक्ट हो सकता है, मतलब सीमित नहीं है, हाइड्रोजन किसी के साथ भी अट्रैक्ट हो रहा है। मजेदार बात ये है, ये इनके साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, यानी कि यहां पर ये नहीं है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को रख लिया हो, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं है मित्रों, इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं है, बस फील गुड हो रहा है। अरे भाई साहब, उसी तरह का फील गुड जिस प्रकार का आपको किसी ग्रुप में बैठ के होता है, चाय की थड़ी पर आप अपने दोस्तों के साथ जो घंटों बिता देते हैं बिना किसी बॉन्डिंग के, लोग कहते हैं बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन आप तो कहते हैं ना दोस्तों के साथ एक बढ़िया वाली बॉन्डिंग है हमारी, वो मेरी अच्छे से बात समझ लेता है क्योंकि उसके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब ये तो नहीं था ना आपने हाथ पकड़ के बैठा हुआ था उसका, फिर भी बात समझ ली आपने। ऐसे ही H2O के मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे की बात समझने वाली तगड़ी बॉन्डिंग है। ये जो बॉन्डिंग है ना साथियों, इस बॉन्डिंग का जिम्मेदार यही हाइड्रोजन है, और जब हाइड्रोजन इस प्रकार की बॉन्डिंग का जिम्मेदार होता है तो ये जो अदृश्य प्रकार की बॉन्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जो दिखाई ही नहीं दे रही है, जिसका कोई आधार नहीं है लेकिन फिर भी है, इसे ही मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है तो फिर, क्या है तो साहब, ये बिल्कुल भगवान हो रखा है, दिखता नहीं है लेकिन है, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, दिखता नहीं है लेकिन है सर, ये बिल्कुल दोस्ती हो रखी है, मतलब बॉन्ड दिखता नहीं है लेकिन है। और इसका फायदा क्या है, बोले क्या इसकी वजह से कोई फायदा होता है क्या? अरे भाई, जिस प्रकार से दोस्ती के लिए कहा जाता है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, ग्रुप में रहना चाहता है, ऐसे ही H2O के बारे में कहा जाता है ये अकेला नहीं रहना चाहता, ग्रुप में रहना चाहता है। मित्रों आपको बताऊं, इसके इस ग्रुपिंग के तो साफ नजारे ही कुछ और हैं। नजारे क्या हैं साथियों, कि ये इतना एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्थिर रहने लग जाता है कि साहब बर्फ पानी पर तैरने लग जाती है। पेपर में एक बहुत प्रमुख सवाल पूछा जाता है आप लोगों से, क्या पूछा जाता है, क्या कारण है कि बर्फ पानी पर तैरती है? रीजन दिया जाता है कि बर्फ के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी से उसका घनत्व कम कर देती है, यानी कि जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, और वाटर से डेंसिटी कम होने का कारण क्या बताते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेरे प्यारे साथियों वाटर के अंदर इस प्रकार से बर्फ जब बनती है, इस प्रकार की संरचना बन जाती है कि उसका स्पेस बढ़ जाता है, और स्पेस बढ़ने से बर्फ पानी पर तैरने लगती है, आएंगे उस बात के ऊपर भी। अब लेकिन बड़ा सवाल यह है सर, हाइड्रोजन अट्रैक्ट किन की तरफ होता है,
क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब जगह होती है? तो भाई दो बातें तो संबंध समझ में आ गई, जब शब्द में ही हाइड्रोजन लगा है तो भाई साहब, हाँ राजेश ने एक बहुत सही आंसर लिखा है कि सर छिछोरा है इसका मतलब हाइड्रोजन। हाँ, इसको साथियों पीरियोडिक टेबल का मनचला एलिमेंट भी कहते हैं, है ना, ये थोड़ा सा इस प्रकार का ही है, छिछोरे टाइप की ही हरकतें हैं, सिल सही कह रहे हैं आप, है ना। आशीष नरावे लिख रहे हैं दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी सर इसलिए चले गए। हाँ मैं कह रहा हूँ आपके पास खाली स्पेस है, आप इसमें जो अपनी स्टोरी चाहें वो डाल सकते हैं, सबके लिए स्पेस है यहाँ पर। तो आपको मेरी बात क्या समझ में आनी चाहिए, तो मैंने ये बात क्लियर कर दी आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। दो बातें स्पष्ट रूप से निकल के आई, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मित्रों एक तो किरदार कौन है, हमेशा एक किरदार हाइड्रोजन होगा। नंबर एक तो बात क्या है, हमेशा एक किरदार तो हाइड्रोजन होगा। दूसरा जो किरदार है, दूसरा किरदार कौन, जैसे यहां पर ऑक्सीजन है ऐसा ही यहां पर जो दूसरा किरदार है या तो वो फ्लोरीन होगा या वो ऑक्सीजन होगा या वो नाइट्रोजन होगा। फोन से याद कर लीजिएगा, फोन से, या तो वो फ्लोरीन होगा या वो ऑक्सीजन होगा या वो नाइट्रोजन होगा, इन तीनों में से कोई एक चीज होगा, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक चीज होगा जिसको आप डेफिनेटली याद कर लेंगे। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। अब इसके पीछे मैं एक साइंटिफिक रीजन बताऊंगा, जो साइंटिफिक रीजन को कई लोग दरकिनार कर देंगे, उनको लगेगा सर आप हाई लेवल की चीजें बताने लग गए, लेकिन साहब मेरी आदत है कि मैं हर चीज के पीछे का कारण भी बताता हूं। यही बात है ना कि सुबह की करंट की क्लास में एक घंटे में 10 सवाल पढ़ाता हूं, क्योंकि एक घंटे में 10 सवाल नहीं, साथ में मैं उसके पीछे का सारा इतिहास, सारी ज्योग्राफी, सारी इकोनॉमी सब कुछ सर्च करके आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही करने वाला हूं, आप लोगों को इसके पीछे की भी कहानी थोड़ी सी बता देता हूं। साथियों इसके पीछे की कहानी यह है कि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। कैसे हैं बच्चों, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। बोले सर देखो आप फिर से मतलब अपर लेवल पे चले गए, हमारे ये सिलेबस में नहीं है, सुन लो यार थोड़ा सा ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोले सर फिर हमको ये भी सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सीख लो यार क्या फर्क पड़ रहा है, नेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेरे मित्रों कहा जाता है विद्युत ऋणता, क्या कहा जाता है, विद्युत ऋणता। अब आप पूछेंगे सर फिर ये क्या होती है विद्युत ऋणता, कुछ नहीं है साहब, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बोले सर फिर देखिए आप ना कहते हो भी फिर आगे चले गए, हमको क्या पता बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को यानी बंध के इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। बोले हमको नहीं समझना, अरे कोई बात नहीं इतना सा समझ लो, सबसे ज्यादा जो मैंने लिखा है वो फ्लोरीन की है, फिर नाइट्रोजन की है, फिर ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन की, बस इतना सा समझ लो, इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ऐसी है और इनकी हाइड्रोजन से ज्यादा है। बोले मतलब क्या है, मतलब क्या है, बोले सर हमारे तो सिलेबस में ही नहीं है, आप इतनी बातें मत बताओ, थोड़ा सा और सुन लो, सुन लो कि बात यह है मेरे प्यारे साथियों, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ना, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो साझेदारी में जो बिजनेस किया था ना, आपको याद होगा कल अपन ने सौदा किया था इस पेन का, शायद याद होगा आप लोगों का। साथियों अगर आपको याद हो तो कल अपन ने इस पेन का सौदा किया था, अपन ने कहा था कि भाई 50 रुपए मैंने लगाए, 50 रुपए इस पेन ने लगाए, ये एक्स पर्सन था और मैं था, हम दोनों ने 50-50 रुपए लगा के पेन खरीदा था, हम दोनों ने साझेदारी कर ली, साझेदारी कर ली, और मान लो कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, यानी मेरी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज्यादा है, तो इस पेन को मैंने अपनी तरफ खींच लिया और इससे कहा कि भैया जाइए ऐश करिए, मतलब क्या हुआ, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अंदर जो है ये जो बॉन्ड बना हुआ था इन दोनों के बीच में, इस बॉन्ड के अंदर, दोनों के अंदर ग्रह कलेश हो गया। क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ने जब बॉन्ड बनाया था ना, तब तो ये कह के बनाया था अपन दोनों बराबर साझेदारी करके बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन फिर नियत में खोट किसके आ गया, ऑक्सीजन के आ गया, क्यों, क्योंकि साहब ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
अगर अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब क्या है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए तो क्या हुआ साहब, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज ही नेगेटिव होता है, और बेचारा इसके पास से इलेक्ट्रॉन गए तो ये दुखी हो गया, दुखी हो गया तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया। हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया तो हमने इसके ऊपर साइन लगा दिया कि चल भैया एम्बुलेंस में ला दो और चलो, तो इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के अंदर पार्शियल चार्ज आ जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बन जाते हैं। यही हाल है मेरे मित्रों फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड का। इनके इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ जब खिंच जाते हैं तो यहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब साहब देखिए सिंपल सी बात है, अगर किसी के साथ ऐसा धोखा होगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा आपको बात क्या समझनी है। हमने ऑक्सीजन के साथ ये ले लिया था, असल में क्या हुआ था, हाइड्रोजन था तो समझदार, हमने छिचोरा जो शब्द दिया है ना, वो छिचोरा शब्द अभी थोड़ी देर में प्रूव हो जाएगा, बेचारे के साथ गलती हो गई। गलती क्यों हो गई अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को, गलत ही हमने कह दिया उसको, क्यों गलत कह दिया अभी देखना। मान लो मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी हाल आपसे कहा था कि एक बार के लिए समझो कि यह ऑक्सीजन था, इसने क्या किया था, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया। ऐसे ही साथियों इसके पास चला गया, ये प्लस आ गया और ये माइनस आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, H2O के अंदर जो मैंने आपके सामने लिखा, मान लो मैं इनको एक साथ ही लिख देता हूं, चलो OH, ऐसे ही यहां पर मैंने लिख दिया OH। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां माइनस यहां प्लस, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक हाइड्रोजन इस समय तनाव की जिंदगी जी रहा है, तनाव की जिंदगी जी रहा है, तो हाइड्रोजन को टेंशन आने लग गई। क्या टेंशन आने लग गई, यार अपने इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी वाले उनको ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, और इस चिंता में ऑक्सीजन बड़ा परेशान रहने लगा। अब इस चिंता से निपटने का उसको एक इलाज दिखा, उसको क्या दिखा कि चलो भाई कहीं दूसरी जगह नौकरी मांग लेते हैं, अगर एक जगह की नौकरी खतरे में आ रही है तो दूसरी जगह नौकरी मांग लेते हैं। तो भाई साहब इसने नौकरी मांगने के लिए रेज्यूमे डाल दिया, ध्यान से समझना, इसने क्या किया रेज्यूमे डाल दिया लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं करी, समझ लेना। नौकरी तो अभी भी किसकी कर रहा है, ये ऑक्सीजन की कर रहा है, लेकिन जब इसको लग गया कि यार इस ऑक्सीजन के साथ संबंध थोड़े ठीक नहीं है तो चलते हैं दूसरी जगह नौकरी कर लेंगे, दूसरी जगह नौकरी कर लेंगे, तो इसने दूसरे के पास रिज्यूमे भेज दिया, और ये जो रिज्यूमे है मेरे प्यारे साथियों ये दूसरी जगह चला गया। कई सारे साथियों ने यहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा होने का प्रदर्शन कर रहा हूं, तो मैं आपको अपने ही तरीके के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, आप अपने तरीके के एग्जाम्पल से समझ लीजिएगा। तो क्या हुआ मित्रों, यहां से हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति इस उम्मीद में बनी है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन ये सोच रहा है कि भाई साहब अगर इनके पास से निकलने की स्थिति आ गई तो भाई साहब इन ऑक्सीजन के पास चल के नौकरी ले लेंगे। ये जो स्थिति बनती है इसे ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि एक जो नौकरी करने वाला कार्यकर्ता है उसने दो जगह निशाने रखे हुए हैं, एक जगह कहां रखा हुआ है, एक ओरिजिनल ऑक्सीजन से और एक दूसरे ऑक्सीजन के पास जाने के लिए बातें की हुई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ये जो इनके बीच में यहां पर जो बातें चल रही हैं, ऑलरेडी जो बात चल रही है, इंटरव्यू टाइप की चीजें हो गई हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इससे फायदा किसको हुआ, इससे फायदा पूरी इंडस्ट्री को हुआ। क्यों, बेरोजगार नहीं घूमेगा कोई, एक निकालेगा दूसरा रख लेगा। बोले कैसे सर, अरे भाई इसके यहां पर भी तो यही आग लगी है, इसके क्या हो रहा है, इसने भी अपने पड़ोसियों को परेशान कर रखा है, इसने भी तो इलेक्ट्रॉन खींच रखे हैं अपनी तरफ खींच रखे, तनाव में तो इसके भी एम्प्लॉई हैं, लेकिन दूसरे की थाली में घी अच्छा लगता है, इस हाइड्रोजन को लग रहा है दूसरे घर में जाएंगे थोड़ा आराम हो जाएगा, सब जगह एक ही काम हो रहा है भाई साहब। तो यहां पर ये उठ करके इधर जाना चाह रहे हैं, इधर वाले यहां परेशान है, ये जो परेशान है ये किसी और हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की तरफ निगाह डाल के बैठे हुए हैं कि भाई साहब हमको आप ले लेना, हमको आ रही नौकरी छुट्टी। सब गलत फहमी में जी रहे हैं और सब एक साथ रह रहे हैं, ये जो सब गलत फहमी में जी करके एक साथ रह रहे हैं यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इस बॉन्डिंग से सारे H2O मॉलिक्यूल मिलजुल के ऐसे रह रहे हैं, पूछो मत, घना ही प्यार हो रहा है इनके बीच में भाई साहब, और इस प्यार की स्थिति में ये संयुक्त होकर रहने लग गए, अवस्था परिवर्तन तक हो गया। ऐसा तक हुआ मित्रों कि बर्फ जब बनी ना, बर्फ के अंदर कारण पूछा गया, बर्फ तुम बर्फ क्यों बनी, बोले कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए तो हम साथ साथ रहने लग गए।
समझ गए आप लोग, तो कुछ ज्यादा नजदीक आने से साथ रहने लग गया। फिर बोले अच्छा, बोले फिर इनको तोड़े कैसे, बोले थोड़ा गर्म कर दो मार्केट में, बेरोजगारी फैलाओ। तो भाई साहब गर्म कर दिया इनको, गर्म कर दिया तो बॉन्ड टूट गए, बेरोजगारी फैल गई। गर्म करते ही साथियों ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O के मॉलिक्यूल नजदीक आ गए। एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है, पानी का घनत्व जल के घनत्व के कंपैरिजन में पूछा जाता है ज्यादा होता है या कम, तो एक बात इतनी सी ध्यान रख लेना, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक होता है। रीजन ये है कि उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। अब समय है थोड़े से विज्ञापन का, सुन लीजिएगा प्रभु। हम लोग आपको ये रेलवे NTPC ग्रुप डी में अंकित 10 रेफरल कोड है जिसके माध्यम से जनरल साइंस पढ़ाई हुई है, जिनको भी पढ़ना हो डिटेल थ्योरी विद डायग्राम प्रीवियस ईयर पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा सेशन मेरे द्वारा लिया गया है, और जल्दी ही यहां पर बूस्टर क्लास आने वाली है, जिनको भी पढ़ना है डिटेल में जनरल साइंस पढ़ लीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होती है सुबह 6 से 7 की क्लास में, सुबह 6 से 7 करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें क्वेश्चंस तो लिमिटेड रहते हैं लेकिन डेटा बहुत सारा दिया जाता है क्योंकि स्ट्रेटजी के साथ साथ पढ़ाया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच।